नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर, बुलेरो का टेम्परेचर बार आखिर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, आखिर ये दिक्कत कहाँ आ रही है? और एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बता दूँ, पावर प्लस और BS6 में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नई गाड़ियाँ हैं, अभी इनमें लोगों ने छेड़खानी नहीं की। जिन्होंने DI, M2, DI, CR, बुलेरो की बात कर रहा हूँ, पुरानी ली हुई, उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस मीटर की, टेम्परेचर मीटर। कुछ लोगों के समझ में ही नहीं आता कि 4 है कि 5 है, क्या है, कैसा है, उनके बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो वो सोचते हैं कि मेरी गाड़ी ओवर हीट हो रही है, किसी के में 4 ही रहता है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि साहब, मेरे में तो 5 ही रहता है कुछ दूर चलने के बाद। चलिए मैं आपको बताता हूँ, बुलेरो में टेम्परेचर टोटल बार्स होते हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये बीच में लाइन है, दो खाली लाइन है, ये जैसे एक ये लाइन, दो लाइन जल रही है ना, तो ये एक ही लाइन मानी जाएगी। बुलेरो के अंदर आप 5 ही बार होने चाहिए, 5 से ऊपर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 3 बार्स आपके खाली होने चाहिए, ये 3 बार्स या 6 लाइन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया? आपकी M2 DI CR हो, DI हो, या पुरानी वाली बुलेरो हो, उनमें थर्मोस्टेट, ये जो गोल सा भाग दिख रहा है ना, यहाँ पे इंस्टॉल होता है। पावर प्लस में यहाँ नीचे पे होता है। ये होता क्या है? ये होता है ये। अब एक्चुअल में M2 DI CR DI इंजन, ये जो पुराने वाले 2523 cc इंजन आते थे, ये 85 डिग्री पे नॉर्मल चलते हैं, 85 डिग्री से 95 डिग्री के आस। उस टाइम पे आपकी जो रीडिंग है वो 5 बार रहेगी। वहीं पे पावर प्लस 95 डिग्री से 105 डिग्री के आसपास गर्म होती, इसीलिए आपको M2 DICR की अपेक्षा पावर प्लस के पास आप जाओगे तो ज़्यादा हीट महसूस होगी, क्योंकि वो एमहॉक इंजन ज़्यादा टेम्परेचर पे काम होता है। थर्मोस्टेट वाल्व, ये क्या है कि यहाँ से नीचे से ऊपर पानी निकलता है इसमें। अभी क्या होता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी में, जैसे मेरे में स्टॉल है, अभी गाड़ी स्टार्ट की आपने, जो पानी है वो अंदर ही घूम रहा है, अंदर ही, क्यों? क्योंकि ये ओपन नहीं होगा, जो अभी कंडीशन है। देखिए ये पूरा पैक है, जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा, 80 डिग्री के आसपास आएगा, वैसे ही इसके अंदर मोम रहता है, सख्त पार्ट, उस वो ऐसा पदार्थ मोम होता है कि 85 डिग्री पे वो लिक्विड में बदलने लगता है। तो जब लिक्विड में बदलने लगता है तो उसकी डेंसिटी हल्की सी कम होती है, तो वो दबने लगता है, मतलब कुल मिला के दबता है। तो जैसे ये नीचे आता है, तो यहाँ से वाटर पंप आपका कूलेंट को हल्का हल्का भेजना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ज़्यादा हीट होगी तो और तेज से ये भेजने लगेगा। फिर उसके बाद हमारा रेडिएटर काम करता है इसको ठंडा करने का। तो आपके समझ में आ गया, अगर ओवर हीट होगी तो ये पानी को ज़्यादा छोड़ेगा, ओवर हीट अगर हीटिंग कम होगी तो धीरे धीरे छोड़ेगी। जैसे ठंडियों में ये धीमा छोड़ता है, गर्मियों में ये बहुत फुल्ली खुला रहता है। अभी या फिर आप हाई स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे, ज़्यादा इंजन रैप पे है तो गर्म होगा, हीट जनरेट करेगा, उस टाइम पर पूरा खुला होगा। तो अगर ये आपकी गाड़ी में लगा है, चाहे वो पावर प्लस हो, M2 DI CR DI या पुराने वाले सादा इंजन है, उनमें ये अगर लगा है, तो ये 5 बार आपकी गाड़ी में, यानी 8 में से 5 बार आपके जलेंगे। अभी कुछ लोग निकाल देते हैं, उन्हीं के में ये समस्या होती। अब मान लीजिए इसे निकाल दिया, तो जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट किया, वैसे ही एक तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि बहुत सारा पानी ना जाए इस रेडिएटर में, क्योंकि ये रेडिएटर मेरा, हम DI और M2 DI CR वालों का काफ़ी बड़ा है, पावर प्लस का भी है, पर उससे ये काफ़ी बड़ा है। और क्या है, पावर प्लस में चेक इंजन जला देता है वो। M2 DI CR DI है आपकी, तो आपने जैसे ही इसे निकाला, तो जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट की, वाटर पंप घूमा, सीधे रेडिएटर में पानी फेंकने लगा। ठंडियों में ये एक रहेगा या एक रहेगा, दो रहेगा, बहुत स्पीड चलाएंगे तो 2 के ऊपर नहीं जाता, अगर अच्छी खासी ठंडी पड़ रही। गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो ये फिर 5 बार तक आ जाता है। उसी टाइम पे जिनके पास M2 DI CR DI वाले हैं, तो घबरा जाते हैं कि साहब यार, मेरे में तो ठंडियों में 2 ही रहता था, अभी 5 रहने लगा। तो साहब जी, अगर आपके में ये थर्मोस्टेट बाल्ब नहीं लगा है, तो
आपकी गाड़ी फ्लक्चुएट हो, ठंडियों में वो एक दो बार पे चलेगी, गर्मियों में एसी चलाएंगे तो पाँच पाँच बार पे रहेगी। अच्छा जी, अभी आपके पास मान लीजिए DI है, पुरानी DI टर्बो है जिसमें मैनुअल मीटर था, उसमें भी यही कहानी कि अगर आपके में थर्मोस्टेट लगा है तो वो हाफ तक जाएगा, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, किसी से मतलब नहीं, थर्मोस्टेट लगा है तो वो अपना हाफ तक काम करेगा। अगर वो हटा है तो सेम थिंग, ठंडियों में आपका वो थोड़ा सा उठेगा, गर्मियों में वो हाफ तक जाएगा, हाफ के ऊपर जाएगा तो यही प्रोसीजर करना है जो मैंने बताई है। कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या करें, इंस्टॉल करना चाहिए थर्मोस्टेट कि नहीं करना चाहिए। साहब मेरे में नहीं था पहले, मैंने खुद इंस्टॉल किया है, आई बटन डिस्क्रिप्शन पर वीडियो मिल जाएगी। वैसे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसलिए इंस्टॉल किया क्योंकि एक इंजन अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर चलना चाहिए, साथ में 15W40 को पतला करने के लिए 85 डिग्री चाहिए। अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो करिए, नहीं करना हो मत करिए। मैंने तो अपने में किया है, ईमानदारी से बताऊँ, मैं इसलिए भी इसके फेवर कंपनी दी है तो कुछ ना कुछ तो समझ के दी होगी, खासकर ठंडियों में ये गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती और एवरेज कम देने लगती है, क्योंकि मास एयर फ्लो को टेम्परेचर से ही पता चलता है कि हमें फ्यूल इंजेक्शन कितना है, इसमें अलग से टेम्परेचर के लिए नहीं दिया गया है, वाटर के टेम्परेचर से ही इंजेक्शन करता है इंजेक्टर। सादा वाले में कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़े, वो सेम ही इंजेक्शन करता है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारी गाड़ियों में थर्मोस्टेट निकला है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है लोगों का कि सर ठंडियों में तो 5-6 किलोमीटर पे आती थी, अभी तो तुरंत गर्म हो जाती है, 5 हीट पे आ जाती है। तो गर्मियों में टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठंडियों में जहाँ 8-9-10 के आसपास रहता है, कहीं कहीं पे तो 0 रहता है, तो उसको आने में टाइम लगता है, इतनी हीट आग बरस रही है, 45 तो आधे पे तो वो पहले से, और थोड़ा सा हीट मारा हो तुरंत पानी उबल गया, पानी को इतना जल्दी आप गर्म भी नहीं कर सकते, पानी को इतना जल्दी आप ठंडा भी नहीं कर सकते। इसीलिए गर्मियों में आपका 1 किलोमीटर पे ही 5 बार आ जाता है, वहीं पे ठंडियों पे आप 10-10 किलोमीटर चलाते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं। कंक्लूजन क्या है भाई साहब, अगर आपकी गाड़ी में 8 में से अगर 5 बार आ रहे हैं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ है, चाहे वो ठंडियों में कितने भी बार पे चलती, 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 5 से ऊपर गया तो बहुत ही जल्द आपकी गैस के टूटने वाली है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है कि उसमें पाइन कूलेंट ना होने से क्या हुआ। और हाँ जी, अगर आपके में 5 से 6 आ रहे हैं तो तुरंत से आप अपना रेडिएटर चेक करें। रेडिएटर बहुत ही आसान है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है कैसे इसे फ्लश करें, कैसे करें, बस आपको हल्का सा पानी निकालना है और ऐसे देखना है। जैसे ही आप देखोगे आपको जालियां उसकी दिख जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका रेडिएटर चोक है कि नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, बहुत आसानी से पता चल जाता है, कोई वो नहीं। पंप की अगर बात करें, अगर आपको पता करना है कि आपका पंप सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो आप नीचे वाली लाइन से एक पाइप को ऐसे खींच लो बाहर और निकाल दो। अगर आपका पंप काम कर रहा है तो पानी धड़ाके से देगा। पावर प्लस में आप यहाँ पे एक पाइप रहती है उसको निकालिए, उससे भी पता चल जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा खेल नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, आराम से आप समझ जाओ। ओवर हीटिंग तो नहीं होनी चाहिए। मेरा जवाब आपको शायद पता चल गया होगा। थर्मोस्टेट आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए। 5 बार से आपकी गाड़ी हीटिंग नहीं होनी चाहिए, 8 में से 5। अगर उससे ऊपर होगी तो आपकी गैस कट जाने के चांसेस हैं, या तो जाएंगे। तो 2 ही काम, रेडिएटर प्लस या फिर क्लीन करा लीजिए, या फिर पंप की प्रॉब्लम। पंप की प्रॉब्लम जब होती है ना तो अचानक से बिल्कुल फुल स्पीड में जाता है, ऐसा नहीं होता कि 5 से 6 आएगा, 6 और कुछ लोग इसलिए भी थर्मोस्टेट निकाल देते हैं कि क्योंकि फ्लो बढ़ जाता है ना, रेडिएटर भले चोक हो तो उसको निकाल देते हैं। ऐसा मत कीजिए, रेडिएटर निकाल उस फ्लश करवा दीजिए, सही हो जाएगा आपका काम, 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसे कैसे टेस्ट करते हैं वो भी मैंने बनाया है वीडियो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो 3 वीडियो हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में